हे ऑल, वेलकम टू दिस सेक्शन। लास्ट सेक्शन में आपने देखा कि हमने किस तरह टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का यूज़ करके सिंपल फॉर्म्स बनाए और उनमें लिमिटेड कंट्रोल्स के साथ वैलिडेशंस अप्लाई किए। बट नाउ वी आर मूविंग वन स्टेप अप। अब हम बनाने वाले हैं फॉर्म्स यूजिंग रिएक्टिव फॉर्म अप्रोच, जो कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये क्लास बेस्ड फॉर्म होते हैं, टेम्पलेट ड्रिवन पूरे डॉम बेस्ड थे, ये पूरे क्लास बेस्ड होते हैं और इनमें आपको डॉम भी क्रिएट करना पड़ता है, दोनों को आपस में सिंक करना पड़ता है। तो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स ज़रूर हैं, लेकिन आपको इनपुट पर ज़्यादा कंट्रोलिंग देते हैं, ज़्यादा बिहेवियर एंड ज़्यादा वैलिडेशंस आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ पर। एंड यू कैन क्रिएट द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स फॉर योर एप्लीकेशन। एंड जब भी हम प्रोफेशनली काम करते हैं तो हम रिएक्टिव फॉर्म अप्रोच का यूज़ करते हैं, बिकॉज एप्लीकेशंस में कॉम्प्लेक्सिटी की कोई लिमिट नहीं होती, राइट? तो इसलिए हम शुरुआत से ही रिएक्टिव फॉर्म अप्रोच का यूज़ करते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स बनाते हैं। ओके, सो इट्स नॉट लाइक हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही बनाते हैं, वी कैन क्रिएट द सिंपल फॉर्म टू, बट हम फ्यूचर के अकॉर्डिंग, मतलब फ्यूचर अपडेट के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स की पॉसिबिलिटीज़ लेकर चलते हैं और रिएक्टिव फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। ओके, सो किस तरह के फॉर्म हम बना सकते हैं एंड व्हाट अप्रोचेज वी यूज़। एक्चुअली हम इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं। ओके, क्लास बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है रिएक्टिव फॉर्म्स की। And if you are familiar with the OOPs concept of JavaScript, then it is awesome. But अगर आपको नहीं पता कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट कैसे होते हैं JavaScript में, तो डोंट वेरी, यू आर विद vishAcademy। एंड मैं इसे जितना हो सकता है उससे ज़्यादा सिंपल करने की कोशिश करूँगा ताकि यू कैन बी निंजा। ओके, सो लेट्स सी द सिंपल फॉर्म आई क्रिएटेड यूजिंग रिएक्टिव फॉर्म अप्रोच। यहाँ पर एक डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है जॉन डो, आई रिमूव इट एंड प्रेस टैब। फुल नेम इज़ रिक्वायर्ड। ओके, सो लेट्स पुट अ फुल नेम, then username is Vinay and space Singh. Oh, username cannot contain space, username cannot be blank. Okay, specific validations यहाँ पर work कर रहे हैं। Then email cannot be blank. Okay, Vinay and not a valid email. Okay, okay, then password minimum length should be 4 characters. Okay, then skills मुझ में कौन सी है, JavaScript की है। Okay, then next HTML, okay, then next CSS, okay, okay, and यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है कि अगर कोई फॉर्म फील्ड डिसेबल होती है तो यू कैन नॉट सबमिट दिस फॉर्म। ओके, सो एवरीथिंग शुड बी वैलिड। ओके, देन यू कैन सबमिट इट। एंड देखिए यहाँ पर फॉर्म ग्रुप का इंस्टेंस हमें मिल चुका है। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट द रिएक्टिव फॉर्म्स। सो दिस इज सैम्पल, वी आर गोइंग टू क्रिएट इट फ्रॉम स्क्रैच अगले वीडियो से। एंड इसका सोर्स कोड अटैच है इस वीडियो के साथ यूडेमी पे, सो यू कैन डाउनलोड इट फॉर द रेफरेंस। एंड लेट्स क्रिएट इट स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।